कहते हैं जब भी कहीं किसी बेगुनाह का खून इस धरती पर गिरता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर इंसाफ जरूर करते हैं। ऊपर वाला जब इंसाफ करता है तो गुनाहगारों के बचने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, जहां राहुल भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित को, जो कि सरकारी कर्मचारी थे, उन्हें आतंकवादियों ने दफ्तर में घुसकर उन पर गोलियां बरसाई थी, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें श्रीनगर के SMHS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी जैश से संबंधित आतंकी संगठन कश्मीरी टाइगर्स ने ली थी, जिसके बाद न सिर्फ कश्मीर बल्कि देश भर में राहुल के लिए इंसाफ की आवाज उठी थी। वहीं सेना ने पहले ही वादा किया था कि जो भी राहुल भट्ट की हत्या में शामिल आतंकी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अभी 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए थे कि जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को एनकाउंटर के दौरान लश्करे तोयबा के 2 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर में बांदीपुरा के ब्रार में घेराबंदी तलाशी अभियान चालू किया था। उन्होंने कहा कि छुपे हुए आतंकवादियों की ओर से सुरक्षा बलों पर गोलीबारी के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया और जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक आतंकवादी वहीं ढेर हो गया, वहीं एक और आतंकवादी को ठिकाने लगाने के कुछ देर बाद सुरक्षा बलों ने एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया। इस तरह एनकाउंटर में अब तक कुल 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि इलाके में सुरक्षा बलों की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले दिन में कश्मीर पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा था कि ब्रार में घेरा गया आतंकी पाकिस्तानी है और लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। इस आतंकी ने हाल ही में कश्मीर में घुसपैठ की थी। ये आतंकी बुधवार को शालिंदर वन में के क्षेत्र से मुठभेड़ में से बच निकला था। आपको बता दें कि बांदीपुरा में ढेर किए गए दहशतगर्द वही हैं जिन्होंने निर्दोष कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बेरहमी से हत्या कर दी थी। सेना ने शुक्रवार देर शाम यानी 24 घंटों के भीतर दोनों आतंकवादियों को मार के राहुल की हत्या का बदला ले लिया है और अब इंसाफ पूरा हो चुका है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।